जय हिंद दोस्तों। राजस्थान पुलिस जयपुर कार्यालय पुलिस आयुक्तालय मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर से जॉइनिंग की यह 5वीं लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह आदेश दिनांक 2 मार्च 2023 को जारी किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि यह लिस्ट 37 अभ्यर्थियों के जॉइनिंग के संबंध में जारी की गई है। तो राजस्थान पुलिस के भर्ती के संबंध में पहले 3 लिस्ट जारी की गई थी। उन 3 लिस्ट में कुल 410 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग देने की बात कही गई थी। उनमें से कुल 370 अभ्यर्थियों ने जॉइनिंग ले ली थी तथा कुल 40 पद रिक्त थे। तो 40 पदों की वेटिंग तो आपके लिए तभी बन रही थी। तो उसके पश्चात आप देख सकते हो, मैं आगे आपको बता दूं कि जब चौथी लिस्ट आई तो उसमें कुल 30 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग देने की बात कही गई, और अब यह 5वीं लिस्ट आई है, इनमें कुल 37 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग देने की बात कही गई है। तो अब तक राजस्थान पुलिस जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र से कुल 477 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग देने के लिए आदेश जारी किया जा चुका है। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हो कि जैसे जैसे अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो रहा है, तो उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन की रिपोर्ट के पश्चात उनको जॉइनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन अभ्यर्थियों को पुलिस लाइन चांदपोल पुलिस आयुक्तालय जयपुर में दिनांक 9 मार्च 2023 तक आवश्यक रूप से कांस्टेबल पद पर ड्यूटी ज्वाइन करना है। उसके पश्चात मैं यह लिस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ, अपना अपना नाम देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये लिस्ट थी जो आपके 37 अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई है। उसके पश्चात जो इसके और जॉइनिंग के बाकी नियम हैं वो पहले के जैसे ही हैं कि आपको जो 14,600 रुपये मासिक वेतन 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा, जो आपके जॉइनिंग के दिनांक से ही शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो उसमें भी आपको बताया गया है कि आपको 10 फोटो और उसके पश्चात मैं कपड़े पहनने के कपड़े में बतौर मैन से एडवांस 2600 रुपये, दैनिक उपभोग के आवश्यक साजो सामान, कैंटीन की सदस्यता शुल्क तथा 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सभी आपको लेकर जाने हैं। तो इन अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।